वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम क्लास। तो आज मैं बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का 2021 का क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आपके एग्जाम में बिल्कुल इस प्रकार से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व जरूर करके जाना है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर आपका, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी, जलवायु और मौसम, शारीरिक क्रियाशीलता और स्वास्थ्य। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ सिम्पटम्स दिए गए हैं, यानी यहाँ पर कुछ लक्षण दिए गए हैं, तो इनका हमें बताना है कि किस बीमारी के लक्षण हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बेरी बेरी, यानी बेरी बेरी रोग में चेहरा गोल व चंद्रमा की आकृति का हो जाता है, बालों का रंग भूरा व जल्दी टूट जाते हैं, आंखों का सूज जाना होता है और त्वचा जली हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यह कुपोषण का लक्षण नहीं है। यहाँ पर चमकदार भी चिकने बाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आहार नियोजन के समय निम्न में से किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें यहाँ पर सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी सदस्यों की शारीरिक स्थिति, पाक प्रणालियाँ यानी कुकिंग मेथड्स और जलवायु। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पर, यह आहार आयोजन का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर रंग पर विचार राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर, कुपोषण के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है। यहाँ पर सभी उत्तरदायी यानी गरीबी, मिलावट और अशिक्षा। नेक्स्ट यहाँ पर, वह स्थिति जिसमें पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है कहलाती है। यहाँ पर सपोषण कहलाती है, यानी गुड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत में कुपोषण की रोकथाम के उपाय हैं। तो यहाँ पर सभी उपाय दिए गए हैं, यानी सस्ते वे पूरक पौष्टिक आहारों का बनाना और जनसंख्या पर नियंत्रण, रसोई बगीचे को प्रोत्साहन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, दालों के खमीरकरण से बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही बढ़ जाते हैं, विटामिन B1 और B2। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन युक्त भोजन बच्चों को देना चाहिए। तो यहाँ पर विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर, कबूतर जैसी छाती इसमें पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, रिकेटस। नेक्स्ट यहाँ पर, गर्भाधान है तो यह विटामिन आवश्यक है। यहाँ पर ऑप्शन सी विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, विटामिन और खनिज लवण। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व रक्ताल्पता से बचाव हेतु आवश्यक है। यहाँ पर ऑप्शन सी लोहा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, विटामिन डी को पाने का सबसे सस्ता सुगम सुलभ स्रोत है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। तो यहाँ पर आंवला राइट आंसर है। नेक्स्ट, कब्ज के निवारण है तो निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आवश्यक है, यानी अधिकाधिक जल पीना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए और रसयुक्त भोजन को खाना चाहिए। नेक्स्ट है, माता के दूध के लाभ है तो इसके यहाँ पर सभी लाभ दिए गए हैं, ये सदैव तैयार मिलता है, पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक होता है और एंटीऑक्सीडेंट वे प्रतिरोधक गुणों से भरपूर होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, मधुमेह रोग के लक्षण हैं। तो यहाँ पर सभी लक्षण दिए गए हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक भूख लगना, अधिक प्यास लगना और बहुमूत्रता। नेक्स्ट, डायरिया में ORS के अतिरिक्त कौन सा या कौन से तरल आहारों को दिया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी, यानी जौ का पानी, दाल का पानी और मट्ठा। नेक्स्ट, यहाँ पर अतिसार से प्रभावित रोगियों के लिए क्या उचित आहार है। यहाँ पर दलिया उचित आहार है। नेक्स्ट, यहाँ पर वयस्क हेतु सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, 120/80 mm Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अग्न्याशय ग्रंथि के लेगर है इसकी दीपिकाओं की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इंसुलिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 98.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, यहाँ पर मधुमेह का इलाज इनके द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, ए वे बी दोनों के द्वारा, यानी संतुलित आहार और नियमित व्यायाम। नेक्स्ट, ये संतुलित आहार में होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन सी वनस्पति जन्य प्राणी जन्य भोज्य पदार्थ दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर ICDS की सेवाओं के पैकेज में शामिल रहता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी शामिल रहता है, यानी पूरक, पोषक आहार और पूर्व स्कूल शिक्षा, टीकाकरण। नेक्स्ट, पूरक आहार में क्या शामिल रहता है। तो यहाँ पर सभी शामिल रहते हैं, यानी तरल पूरक जैसे जूस, सूप आदि, ठोस पूरक जैसे बिस्किट, रस, टोस्ट आदि और अर्ध ठोस पूरक जैसे मसाला हुआ सेब और दलिया आदि। नेक्स्ट, यहाँ पर कुपोषण का के प्रभाव है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, यानी दोषपूर्ण शारीरिक वृद्धि, शारीरिक अपंगता और मृत्यु।
नेक्स्ट है, किस रोग को 3D के रोग के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर पेलाग्रा को जाना जाता है। नेक्स्ट है, हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, तो यहाँ पर इंसुलिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपन वह आहार जिसमें भोजन के सभी तत्व सही अनुपात में हो कहलाता है, तो वह संतुलित आहार कहलाता है। नेक्स्ट है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक है, यहाँ पर उपरोक्त सभी कारक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी आयु और शारीरिक क्रियाशीलता, व्यक्ति की पसंद व नापसंद, धर्म और सांस्कृतिक स्वरूप। नेक्स्ट, निम्नलिखित सभी उच्च जैविकीय मूल्य युक्त पूर्ण प्रोटीन भोजन है सिवाय, तो यहाँ पर ऑप्शन ए फलिया और अनाज के राइट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को कम कर देना चाहिए, तो उन्हें सोडियम कम कर देना चाहिए, यानी नमक खाना उन्हें कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, बुखार में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, प्रोक सभी, यानी श्वसन दर में वृद्धि, प्रोटीन चयापचय में वृद्धि और अधिक पसीना निकलना। नेक्स्ट, यहाँ पर बुखार के दौरान प्रस्तावित आहार है, यहाँ पर दोनों ही आहार दिए गए हैं, यानी उच्च प्रोटीन युक्त आहार और उच्च कैलोरी युक्त यानी ऊर्जा के लिए आहार। नेक्स्ट, यहाँ पर क्रिकेट उन बच्चों में होता है जिनको पर्याप्त नहीं मिल पाता, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, विटामिन डी। नेक्स्ट, यहाँ पर 6 माह की आयु तक नवजात एवं छोटे शिशु हेतु यह आदर्श भोजन है, यहाँ पर ऑप्शन ए माँ का दूध राइट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पर प्रोटीन ऊर्जा को पोषण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो इसके कारण मेलास्मस होता है। नेक्स्ट, कौन सा व्यक्ति समूह प्रोटीन कैलोरी कुपोषण द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, शिशु और बच्चे। नेक्स्ट, यहाँ पर गाजर इसकी प्राप्ति का एक सस्ता सुलभ और सुगम स्रोत है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खट्टे फल का उत्तम स्रोत है, तो यह विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है लेकिन हमारे शरीर हेतु आवश्यक है, तो यहाँ पर रेशा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर फल और सब्जियां आमतौर पर की प्राप्ति का अच्छा स्रोत माने जाते हैं, तो विटामिन और खनिज लवण की प्राप्ति का स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी भोज्य सामग्री आहारी रेशा प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर सभी करते हैं, यानी संपूर्ण अनाज, दालें और फलियां और फल और सब्जियां। नेक्स्ट, आहार में विभिन्नता इनके द्वारा लाई जा सकती है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी पाक प्रणाली को परिवर्तित करके फल सब्जियों को विभिन्न आकारों में काटकर। नेक्स्ट, शिशुओं में प्रोटीन की कमी से हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी मेरास्मस राइट आंसर है। नेक्स्ट, न्यून पोषण में शामिल है, तो यहाँ पर सभी शामिल, यानी स्टंटिंग, वेस्टिंग और न्यून भार। नेक्स्ट, यहाँ पर माँ का दूध बनाने में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो यहाँ पर प्रोलैक्टिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप आपको निर्णय से किस खतरे में डाल देता है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी आघात, रक्त रोग और हृदय रोग। नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप की रोकथाम अथवा नियंत्रण आप किस प्रकार कर सकते हैं, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी के द्वारा कर सकते हैं, तले हुए भोजन को कम करके, अपने आहार में नमक को घटा करके और नियमित व्यायाम कर करके। नेक्स्ट, यहाँ पर टाइफाइड इसके द्वारा फैलता है, तो यह दूषित जल और दूषित भोजन दोनों के द्वारा फैलता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, जब किसी व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तचाप 120 से अधिक हो तो इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है मृदु रक्तचाप, यानी माइल्ड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, यहाँ पर स्वस्थ शरीर में ग्लूकोज का सामान्य स्तर होता है, तो यहाँ पर 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त राइट आंसर है। नेक्स्ट, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। नेक्स्ट, यहाँ पर केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान यानी CFTRI भारत में कहाँ स्थित है, यह मैसूर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ICDS के लाभार्थी नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन सी BPL वाले किशोर लड़के शामिल नहीं है, बल्कि यहाँ पर सभी शामिल है। नेक्स्ट, पोषक तत्वों के कार्य हैं, तो इसके कार्य होते हैं, यहाँ पर दोनों ऑप्शन सी राइट आंसर है, शरीर निर्माण में ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की सुरक्षा संबंधी कार्य। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, स्त्रियों के प्रति 100 मिली रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, 13 से 15 ग्राम। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, दोनों, यानी ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट, यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह हैदराबाद में है। नेक्स्ट, यहाँ पर व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम सर्वप्रथम निम्न से किस राज्य में प्रारंभ हुआ, तो यह उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट, एक आदर्श तथा संपूर्ण आहार है, यहाँ पर ऑप्शन बी दूध राइट आंसर है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें, तो जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप में स्वस्थ होना होता है और रोगों की अनुपस्थित हो, तो यहाँ पर ऑप्शन सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्भावस्था के समय वजन में कमी से हो जाता है, तो इसकी कमी से मरे हुए बच्चे का जन्म भी हो जाता है और अपरिपक्व शिशु का जन्म हो जाता है और गर्भपात हो जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस दोनों आवश्यक हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पर वीनिंग शिशु का दूध चुड़ाना की प्रक्रिया में शामिल है, तो यहाँ पर सभी शामिल है, यानी स्तनपान को बंद करना और पूरक आहार शिशु को खिलाना, दोनों के द्वारा शिशु का दूध छुड़ा जा सकता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 माह तक के शिशुओं को प्रोटीन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति इनके द्वारा होती है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर, उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी कि माँ का दूध, दाल का पानी और उबला अंडा। नेक्स्ट, यहाँ पर
छिपी हुई भूख यानी हिडन हंगर किस प्रकार की हीनता को कहा जाता है? तो यहाँ पर माइक्रो पोषक तत्वों की हीनता को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीवन के प्रथम 1000 दिन को यह समय माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, गर्भाधान से बच्चे के द्वितीय जन्मदिन का समय। नेक्स्ट है, प्रथम 1000 दिन एक बच्चे के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है मस्तिष्क विकास होता है, शारीरिक विकास होता है और प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पर केवल कोलोस्ट्रम और माँ का दूध पिलाना कहा जाता है, तो इसे अनन्य स्तनपान कहा जाता है। नेक्स्ट है, पर 6 माह से 2 वर्ष की आयु के लिए सर्वोत्तम पूरक आहार है। यहाँ पर सभी सर्वोत्तम पूरक आहार है, यानी उबला अंडा, बारीक दला दलिया, सूजी की खीर। नेक्स्ट है, स्तनपान करने वाले बच्चे इनसे बहुत कम प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर डायरिया, निमोनिया और कान के संक्रमण तीनों ही यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर, एक गर्भवती महिला को व्यायाम कैसे प्रभावित करता है? यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर, उपयोग सभी यानी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करना, थकान को कम करना और तनाव को कम करना। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थितियों में तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है? यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्थितियों में। नेक्स्ट, यहाँ पर गर्भावस्था के खतरों की संभावना को निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर, यानी डॉक्टर परामर्श में निरंतरता, स्वस्थ दिनचर्या को बनाए रखना, नशीली चीजों जैसे धूम्रपान, एल्कोहल और ड्रग्स से दूर रहना। नेक्स्ट, यहाँ पर गर्भावस्था के दौरान पोषण की आवश्यकता इसके द्वारा प्रभावित होती है, यहाँ पर माँ की आयु के द्वारा प्रभावित होती है। नेक्स्ट, धात्री महिला जिनको 6 माह हेतु प्रोटीन की प्रस्तावित आर्य मात्रा यानी ICMR 2020 के अनुसार है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, 62.6 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट, यहाँ पर 16 से 18 वर्ष की बालिका हेतु प्रोटीन की प्रस्तावित आहार्य मात्रा ICMR 2020 के अनुसार है, यहाँ पर 46.2 ग्राम प्रतिदिन राइट आंसर है। नेक्स्ट, मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1995 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण मिशन इनके लिए प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, दोनों के लिए यानी 0-6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती एवं धात्री महिलाएं। नेक्स्ट, यहाँ पर प्रतिरक्षा वर्धक उपाय में शामिल है, तो यहाँ पर सभी शामिल है, पौष्टिक भोजन खाना और अच्छी नींद लेना, उचित व्यायाम करना। नेक्स्ट, दुर्बल प्रतिरक्षा के लक्षण है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी यानी पूरे समय थका महसूस करना, बार बार बीमार पड़ना, एलर्जी की शिकायत। नेक्स्ट, अपन निम्न में से कौन से भोज्य पदार्थ कोरोना वायरस के प्रति प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं? यहाँ पर सभी बढ़ाते हैं, यानी लहसुन, बेसल, पत्तिया और काला जीरा, बीज जैसे पटसन बीज, कद्दू बीज और खरबूजा बीज, और प्रोबायोटिक जैसे योगर्ट और खमीरकृत भोजन। नेक्स्ट, यहाँ पर यह विटामिन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को तेजी से बढ़ाता है तथा इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट शामिल है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, विटामिन सी। नेक्स्ट, सब्जियाँ जो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत हैं उनमें शामिल है, तो उनमें यहाँ पर सभी शामिल हैं, यानी ब्रोकली एवं सूरजमुखी, हरी एवं लाल मिर्च और टमाटर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थ जंतु प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं? यहाँ पर सभी स्रोत हैं, यानी दूध, अंडा और पनीर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है, इसको प्रतिदिन लेना आवश्यक है? यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, विटामिन सी। नेक्स्ट, यहाँ पर सब्जियों को छीलकर धोने से विटामिन नष्ट हो जाता है, यहाँ पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी से फैलने वाले यानी हवा में फैलने वाले, जल से फैलने वाले और संपर्क से फैलने वाले। नेक्स्ट, यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है, तो हैजा मक्खियों द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, यहाँ पर एड्स के लक्षण हैं, तो यहाँ पर इसके सभी लक्षण हैं, लंबे समय तक चलने वाला हल्का बुखार, डायरिया की शिकायत और वजन की कमी। नेक्स्ट, वर्ष 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष। नेक्स्ट, आपके आहार का आदर्श इसका होना चाहिए, तो यहाँ पर अनाज एवं सब्जियों का होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रेड, चावल, अनाज समूह इसका अच्छा स्रोत है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। नेक्स्ट, दूध, पनीर एवं योगर्ट समूह इनके लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये उपयुक्त सभी के लिए है, यानी दांतों के लिए, मांसपेशियों के लिए और मजबूत हड्डियों हेतु। तो आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर था, जिसके सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बताए हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, तो आप एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चन को जरूर रिविजन करके जाएँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।